देखिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये वाला, और हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाऊंगा। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपको मीडियन एज पता लगानी है, यानी कि आपको माध्यक पता लगाना है, ठीक है। और हिंदी में ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये है आपका। और यहाँ पर आपको बोला गया है, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है माध्यक आयु परिकलित कीजिए, यानी कि आपको माध्यक निकालना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आपको पहले इंटरवल पता होना चाहिए, वर्ग अंतराल पता होना चाहिए, क्लास इंटरवल, ठीक है। तो ये 20 सेकंड वगैरह लिखा हुआ है ना, तो ये जो होता है ना, ये CF होता है, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होता है, यानी कि हिंदी में संचयी बारंबारता होता है। तो हम सबसे पहले इसको ऐसी फॉर्म में लाएंगे, जैसे ये फॉर्म होती है ना, ये वाला आप देख रहे हैं ना, ऐसी फॉर्म में पहले क्वेश्चन को बदलना पड़ता है, तभी हम उसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। अब आप खुद देखिए कि यहाँ 20 से कम लिखा है, अब 20 से कम तो 0 भी है, ठीक है, 20 से कम तो -10 भी है, हाँ यार ना, तो 20 से कम कितना कम जाए, कितना कम जाए। यहाँ देखो कितने का टेबल चल रहा है, देखो 5 5 ही तो बढ़ रहे हैं, तो 20 से कम में ना हम सिर्फ 5 तक ही नीचे जाएंगे, इनके 15 से 20 एक एस्टीमेट लेते हैं, एक अनुमान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो उम्र है किसी बच्चे की वो 1 नहीं होगी, 2 भी होगी, तो क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना है, तो 20 से कम लिखा है तो हम सिर्फ 15 से 20 ले लेंगे, ठीक है, समझे मेरी बात। चलो अब ये हमने क्वेश्चन, मैंने ऐसे लिखा हुआ है ये, देखिए आप, ठीक है। अब ये आपने क्वेश्चन तो मैंने सिर्फ दोनों में दिखा दिया ताकि हिंदी इंग्लिश को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब करेंगे कैसे, ये तो क्वेश्चन है ना, एग्जाम में कैसे करेंगे वो आप ध्यान से समझिए, सब ये हम आंसर करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया अभी, कि अगर ये 5 5 चल रहा है, ठीक है, तो हमने 20 से कम कितना तक ले लिया, 15 तक ले लिया। अगर किसी बच्चे ने 0 भी ले लिया ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उम्र 0 तक हो सकती है, ठीक है। तो 15 से 20, ठीक है, मतलब 0 से आगे ही होगी, 0 तो समझ गए ना, क्या कह रहा हूँ मैं, तो 20 से 25, 25 से 30। ये मैं क्यों ले रहा हूँ 5 5 का, क्योंकि 5 5 चल रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर ये आपको इसमें कन्वर्ट करना आ गया ना, फिर आराम से क्वेश्चन कर लोगे आप। तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, क्योंकि आप देखो यहाँ 5 5 ही यहाँ बढ़ रहे, फिर 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, ठीक है, फिर 55 से 60। देखो हम 60 से ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि बोले बिलो 60, 60 से कम, ठीक है, ये 55 है, ठीक है ना। तो मैं एक बार दोबारा बता दूं कि ये पता है सीएफ क्यों होता है, क्योंकि जैसे यहां बोला है कि 20 से कम 2 जने हैं, 25 से कम 6 हैं, यानी कि इस 6 के अंदर ना 20 से कम वाले भी हैं, इसलिए सीएफ होता है, और हमें एफ चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हमने पहले लिखा, अब देखो कैसे करेंगे, ये कितना लिखा, 2, यहां पर हमने 2 लिख लिया, तो यहां लिखा है बिलो 25, यानी कि 25 से कम, 25 से कम का मतलब समझ रहे हो कि इसके अंदर 20 से कम भी है। जैसे मैंने बोला कि जैसे एक रूम है, ठीक है, उस रूम में 6ठी क्लास के बच्चे भी बैठे हैं, ठीक है, और 7वीं क्लास के बच्चे भी बैठे हैं, और उसी रूम में 8वीं क्लास के बच्चे बैठे हैं। अगर मैंने बोला 9वीं क्लास से कम बच्चे, तो कौन कौन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल 8 बच्चे हो गए 9वीं क्लास से कम, है ना, क्योंकि 9वीं क्लास से कम ये तीनों तो है 9वीं क्लास से कम, तो तीनों को तीनों जुड़े होंगे। लेकिन अगर मैंने बोला 8वीं क्लास से कम, तो 8वीं क्लास से कम अगर मैं बोलूंगा, तो क्या आप इन 3 बच्चों को गिनोगे, नहीं गिनोगे ना। 8वीं क्लास से कम का मतलब आप कितने लोगे, 1 2 3 4 5 लोगे, तो कितने बच्चे लोगे, केवल 5। अगर मैंने बोला 7वीं से कम, तो केवल 2 ही तो बच्चे हुए, और 6ठी से कम 1 भी नहीं है, तो 0 हो गया। तो ऐसे ही इसमें हमें करना होता है, यहां पर हम इसको सही कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि केवल 15 से 20 की उम्र के कितने बच्चे होंगे, ठीक है, ये 2, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे 0 से 20 भी लिख दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उम्र हो सकती है, लेकिन हम इंटरवल जो लेते हैं ना, वो सेम लेते हैं, इसलिए हमने 15 से 20 लिया। अब मैंने बोला बिलो 25, 25 से कम, तो कितने, 6। लेकिन अगर मैं बोलूं 20 से 25 वाले कितने हैं, तो इस 6 में से वो बच्चे हटा दूंगा जो 20 से कम वाले, यानी कि 6 में से 2 गए 4। अगर रटना तो सीधा घटाते रहो, लेकिन मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे बोला 25 से 30 वाले कितने हैं, तो 30 से कम में कितने टोटल लोग हैं, 24। 30 से कम कितने हैं, टोटल 24, ठीक है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ 25 से 30 जानना है, तो 24 में से मैं कितने घटा दूंगा, 6 घटा दूंगा, क्योंकि इस 6 के अंदर 2 वाले भी हट जाएंगे, और जो
यहाँ ये 20 से 25 वाले वो भी हट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 24 में से 6 गए, कितने बचे, 18, ठीक है। अगर जैसे कई बच्चे रट रहे हैं तो सिंपल ये कि नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो, लेकिन कंसर्न समझो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब 30 से 35 का निकालना है, तो 45 में से 24 के कितने बचे, 21 बचे, ठीक है। और 78 में से 45 के कितने बचे, 33 बचे, ठीक है। फिर 89 में से 78 के कितने बचे, 11 बचे, ठीक है। फिर 92 में से 89 गए कितने बचे, 3 बचे। फिर 98 में से 92 गए कितने बचे, 6 बचे। 100 में से 98 के कितने बचे, 2 बचे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सही किया गलत किया, इन सबको जोड़ के देखो, अगर जोड़ने पर 100 ही आ रहा है तो आपने सही करा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 2 4 6 6 8 14, अरे 15 18 19, कितनों का 3 22, 22 और 8 कितनों का 30 का, 0 पर 3 कैरी, 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10, तो सही आ रहा है, ठीक है, हमने सही करा। तो ये आ गया ऐप। अब एक और तरीके से चेक कर लो, आपको सीएफ निकालना आता है ना, क्योंकि मीडियन नहीं तो निकालना, हमें सीएफ निकालना आता है। चेक करो कि ये आ रहा नहीं आ रहा सेम, चेक करो। देखो 2 का 2 लिखा, 2 में 4 जोड़े 6 6 में 18 जोड़े 24, 24 में 21 जोड़े कितने हो गए, 45, 45 में 33 जोड़े कितने हो गए, 78, 78 में 11 जोड़े कितने हो गए, 89, 89 में 3 जोड़े कितने हो गए, 92, 92 में 6 जोड़े कितने हो गए, 98, 98 में 2 जोड़े कितने हो गए, 100, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अब एन कितना दे रखा है हमें, 100 दे रखा है, तो एन का आधा कितना हो गया, 50। तो ये 50 किसके अंदर आ रहा है, ये 50 किसके अंदर। अच्छा एक बात बताऊं, जब भी कोई क्वेश्चन आप करने जा रहे हो ना, पहले उसका फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिखने से क्या होता है, हमें सब ध्यान में रहता है कि हमें निकालना क्या क्या है। बाकी जिसको एक्सपीरियंस है वो तो पहले ही लिख लेगा, पहले ही कर लेगा, ठीक है। जो भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं थोड़ा सा इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत करना, ठीक है। फॉर्मूला लिख लिया हमने पहले, तो सबसे पहले फॉर्मूले में हमें देखना होता है कि एन ऑन में 2 कितना है। तो यहाँ देखिए एन हमें 100 दे रखा है, ये रहा 100, तो 100 का आधा कितना, 50। तो 50 किसके अंदर आ रहा है, यहाँ 2 तो गिनती खत्म हो गई। कई बच्चे ना इतने सीधे साधे होते, सोचते बिल्कुल बीच वाला होगा, ऐसा थोड़ी होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5, इसमें बीच वाला ले लेने लग जाते हैं, ऐसा नहीं। 50 दे रखा है ना, एन का आधा कितना है, 50। तो 50 किसके अंदर आया, यहाँ 2 तो गिनती खत्म हो गई, यहाँ 6 तक, यहाँ 24 तक, या 45 तक, ठीक है। और 45 तक गिनती खत्म हो गई, तो 50 किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। यहाँ लकीली आ रहा है ये, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कंसेप्ट। तो ये इसके अंदर आ गया क्या, एन अपॉन में 2। तो जिसके अंदर आता है उसके सामने, बिल्कुल अगर सामने चले जाओ तो ये एल होता है, ये एफ होता है, ये सी एफ होता है। तो एल कितना है, यहां पर लिख लो, ये डिजाइन नहीं बनाना, ठीक है। एल कितना है, 35, ठीक है। ये एफ कितना हमारा, 33, ठीक है। और हमें ये कितना, सी एफ, देखो जिसके अंदर आता है ना एन अपॉन में 2, उससे ऊपर होता है यार ना, सी एफ हमेशा एन बाय 2 से कम होता है, क्या होता है, कम होता है, ठीक है। एन अपॉन में 2 कितना दे रखा है हमें, 50। और एच कितना है, एच, एच देखो ये है ना, ये किसके अंदर है, इसमें, तो 40 में से 35 के कितने बचे, 5, तो ये एच आ गया। तो अब इसमें पुट कर दो फटाफट, अब बताओ एल कितना है। देखो लिखने से क्या फायदा होता है, फटाफट हम कर सकते हैं, ठीक है। जिसको एक्सपीरियंस है वो सीधा इसमें पुट कर सकता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एल अपॉन में 2 कितना, जल्दी से बताओ, 50। सी एफ कितना है, सी एफ है 45, ठीक है, ये लिखा। एफ कितना है, 33। और एच कितना है, एच, एच देखिए कितना है, ये रहा 5। 50 में से 45 गए, 5 बचे, ठीक है। 33, 35, 5 5 25, 33, ठीक है। अब इसको से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, ना जाने की 0 आ गया, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गई, ठीक है। 7 से कर लेते हैं, 7 21 का, ठीक है, 1 आएगा ऊपर 2 से, 7 21 और 22 23, ठीक है, क्योंकि 8 करेंगे तो 8 से 24 बड़ा हो जाएगा, इसलिए। तो 10 में से 1 गया, 9 बचे, 4 में 3 गया, 1 बचा, 19 आ गया,
ठीक है, तो जीरो बढ़ गई क्योंकि एक बार पॉइंट लगा जीरो बढ़ जाती है। अब 33 के किसके आसपास आ रहा है, ठीक है, 6 से करते हैं तो 11 बड़ा हो जाएगा, तो 5 से करते हैं, ठीक है, तो 3 5 15, 3 15 16, तो कितने बजे, 10 में से 5 गए, 5 8 में 6 गए 2, ठीक है, तो 25 ही आ गया। तो यानी कि सेम चलता रहेगा, सेम चलता रहेगा ना, सेम आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हमें 2 तक ही निकालना होता है, तो 0.75, ये 75 चलता रहेगा बच्चों, क्योंकि तो जब ये चीज सेम आ जाती है ना तो आपको पता होगा बाल लग जाता है, तो कोई बात नहीं। अब जोड़ो 35 में जीरो जोड़ो, तो 35 पॉइंट के बाद ये 75 75 चलता रहेगा। आप चाहे तो इतना छोड़ दो, तो इसे बाहर लगा के छोड़ दो, आपके हाथ में, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो कई बच्चे जो है यहाँ जैसे 7 है ना, आगे एक जोड़ देते हैं, 5 के 6 लिख देते हैं, तो आप उतना भी कर सकते हो ऐसे 35.76। देखो पॉइंट के बाद इकट्ठा नहीं बोलते, 7 6 बोलते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना था, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट।